एक जमाने में ओक के एक लंबे दरख्त की शाखों में ऊंचे एक आरामदेह छोटे घोंसले में एक माँ चिड़िया और उसके तीन बच्चे रहते थे। माँ चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपना पूरा दिन इनके लिए खाना जमा करने और इन्हें उड़ना सिखाने में गुजारती थी। एक दिन जंगल में तेज हवा चल रही थी, इसने ओक के दरख्त की शाखों को हिला के रख दिया और छोटे घोंसलों को आगे पीछे घूमने का सबब बना दिया। माँ चिड़िया को डर था कि इसके बच्चे घोंसले से बाहर गिर जाएंगे, लिहाजा इसने अपने परों को वसी कर दिया और इन्हें हवा से बचाने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल किया। हवा चलती रही लेकिन माँ चिड़िया ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए मजबूती से थामे रखा। आखिरकार हवा थम गई और छोटा घोंसला एक बार फिर महफूज था। बच्चे अपनी माँ की बहादुरी पर हैरान रह गए और इनकी हिफाजत करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। माँ चिड़िया मुस्कुराई और उनसे कहा वो हमेशा इन्हें महफूज रखने के लिए मौजूद रहेगी चाहे कुछ भी हो। इस दिन से बच्चे मजबूत और ज्यादा पुर एतमाद हो गए ये जानते हुए कि इनकी माँ हमेशा इनकी हिफाजत के लिए मौजूद थी। उन्होंने उड़ना सीखा और जल्द ही अपने आसपास की दुनिया को तलाश करने के लिए घोंसला छोड़ दिया। लेकिन वो अपनी बहादुर माँ को कभी नहीं भूलते थे और अक्सर इनसे मिलने के लिए ओक के दरख्त पर वापस आ जाते थे। माँ चिड़िया अपने बच्चों पर फख्र करती थी और इन्हें मजबूत और आजाद परिंदों में बड़े होते देखकर खुश होती थी और वो जानती थी कि चाहे वो कहीं भी जाएं, वो हमेशा इस मोहब्बत और तहफ़ को याद रखेंगी जो इसने इन्हें दिया।